स्वागत है आपका आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर और आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के इंडियनेस के बारे में, ENDIAN, ANEESS, इंडियनेस। सीपीयू के इंडियनेस को समझने से पहले मान लीजिए कि सीपीयू को एक नंबर मेमोरी में स्टोर करना है, वो नंबर है 1862538 7। अब ये नंबर 8 डिजिट्स का नंबर है। इन 8 डिजिट्स में किस डिजिट को हम चेंज करेंगे तो ये नंबर सबसे ज्यादा चेंज होगा, ऑफ कोर्स द लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब डिजिट 1। अगर हम डिजिट 1 को चेंज करते हैं तो ये नंबर सबसे ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिजिट 1 को चेंज करके 2 कर दें तो इस नंबर में 1 करोड़ का अंतर आ जाएगा। अब ये बताइए कि इस नंबर में किस डिजिट को बदलने पर सबसे कम अंतर आएगा, ऑफ कोर्स द राइट मोस्ट डिजिट। अगर हम डिजिट 7 को बदल के 8 कर दें तो ये नंबर सिर्फ 1 के अमाउंट में बढ़ेगा, मतलब इस नंबर का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 है और इस नंबर का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 7 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा ही लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा ही राइट मोस्ट डिजिट होता है। तो सीपीयू को ये नंबर मेमोरी में स्टोर करना है। अब हम जानते हैं कि सीपीयू किसी भी नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उस नंबर को मेमोरी में स्टोर करता है। नॉर्मली अगर हम मान लें कि कोई भी सीपीयू किसी भी इंटीजर को 32 बिट्स में स्टोर करता है तो यहाँ पर जो नीचे दिखाया गया है वो इस नंबर का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है। तो ऊपर में आपका नंबर है और नीचे में जो आप देख रहे हैं वो उसी नंबर का 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है। इस नंबर के 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 4 बाइट्स हैं। तो इन 4 बाइट्स में जो सबसे लेफ्ट में जो बाइट है उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट या MSB, और जो बाइट सबसे राइट साइड में है उसे बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, मतलब LSB। तो ऑफ कोर्स अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को चेंज किया जाए तो ये नंबर सबसे ज्यादा बदलेगा, अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को चेंज किया जाए तो ये नंबर सबसे कम बदलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के केस में हो रहा था, जहां पर कि 1 लोएस्ट एड्रेस है और 5 हाईएस्ट एड्रेस है। अब इसी 4 बाइट के बाइनरी को हमें मेमोरी में स्टोर करना है। अगर आईटी सिंप्लीफाइड इन हिंदी पर आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेमोरी के बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। ये एड्रेसेस मेमोरी के एक बाइट के एड्रेस होते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर कुछ एड्रेसेस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5। एक्चुअल मेमोरी के एड्रेसेस ऐसे नहीं होते, यहाँ पर बात को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एड्रेस को 1, 2, 3, 4, 5 एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर हर एक एड्रेस मेमोरी के एक ऐसे लोकेशन का एड्रेस है जहां पर कि सिर्फ एक बाइट स्टोर हो सकता है। तो 1 किसी एक बाइट को स्टोर करने के लायक लोकेशन का एड्रेस है, इसी तरह से 2, 3, 4 और 5 भी किसी एक बाइट को स्टोर करने के लिए लोकेशंस के एड्रेस है। मेमोरी का जो लोएस्ट एड्रेस है वो है 1 और मेमोरी का जो हाईएस्ट एड्रेस है वो है 5। नॉर्मली मेमोरी इतना छोटा नहीं होता कि वो सिर्फ 5 बाइट्स को स्टोर करे, और मेमोरी के एड्रेस भी इतने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नहीं होते। यहाँ पर पूरे वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस तरह का एड्रेस और इतना छोटा मेमोरी एज्यूम कर रखा है। तो अब बारी आती है इन 4 बाइट्स को मेमोरी में स्टोर करने की। आप जानते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन है, आप जानते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन है। तो अल्टीमेटली हो ये रहा है कि ऊपर दिए गए नंबर को 4 बाइट्स में रिप्रेजेंट किया गया है और ये 4 बाइट्स प्रोसेसर के द्वारा मेमोरी में स्टोर किए जाने हैं। अब इंडियनेस 2 तरह के होते हैं, बिग इंडियन और लिटिल इंडियन। यहां पर इंडियन के स्पेलिंग ENDIAN है, इसे INDIAN इंडियन मतलब भारतीय मत कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं बिग इंडियन को। बिग इंडियन आर्किटेक्चर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो मेमोरी के लोएस्ट एड्रेस पर स्टोर होता है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होता है वो मेमोरी के हाईएस्ट एड्रेस पर स्टोर होता है। तो बाइट्स को मेमोरी में स्टोर करने के इसी ऑर्डरिंग को, इसी बाइट ऑर्डरिंग को हम लोग बिग इंडियन बाइट ऑर्डरिंग कहते हैं। और अगर बात करें लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में तो इस केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को हाईएस्ट एड्रेस पर स्टोर किया जाता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को लोएस्ट एड्रेस पर स्टोर किया जाता है। होता यह है कि किसी भी नंबर को स्टोर करने के लिए जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसे फिक्स कर लिया जाता है। उसे फिक्स करने के बाद फिर यह पता लगाया जाता है कि हमें कितने बाइट्स को वहां पर स्टोर करना है। और अगर बाइट ऑर्डरिंग सिस्टम लिटिल इंडियन है तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को हाईएस्ट एड्रेस पर स्टोर कर दो और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को लोएस्ट एड्रेस पर स्टोर कर दो। और अगर बाइट ऑर्डरिंग बिग इंडियन है तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को हाईएस्ट एड्रेस पर स्टोर करो और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को लोएस्ट एड्रेस पर स्टोर करो।
लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर को यूज करने का एक फायदा है। इस फायदे को चलिए हम लोग डेसिमल के टर्म में समझते हैं, बाइनरी के टर्म में नहीं समझते, डेसिमल के टर्म में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है, वो नंबर है 99। तो ये जो नंबर है 99, वो सिर्फ दो डिजिट्स हैं। अब मान लीजिए कि इस नंबर में आप एक ऐड कर देते हैं, तो ये नंबर तीन डिजिट का हो जाएगा, ये नंबर फिर 100 हो जाएगा। तो पहले ये नंबर दो डिजिट का जगह ले रहा था, अब ये नंबर तीन डिजिट का जगह ले रहा है। अब नंबर को स्टोर करने का जो स्टार्टिंग लोकेशन है वो तो फिक्स है कि उसी एड्रेस से आपको किसी नंबर को स्टोर करना है। पहले वही नंबर दो डिजिट का जगह ले रहा था, अब वही नंबर तीन डिजिट का जगह ले रहा है और स्टार्टिंग लोकेशन तो फिक्स है। तो अगर आप बिग इंडियन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नंबर को पूरी तरह से राइट शिफ्ट करना होगा और फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लेफ्ट में ऐड करना होगा। यही प्रॉब्लम है बिग इंडियन आर्किटेक्चर के साथ। जबकि लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर का क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मेमोरी के हाइयर एड्रेस पर स्टोर होता है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर अपना नंबर ऑफ डिजिट चेंज करता है तो वो चेंज हमेशा ही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ होगा। तो इस तरह से आप नंबर को राइट शिफ्ट करने से बच जाएंगे। तो ये एक फायदा है बिग इंडियन आर्किटेक्चर के बदले लिटिल इंडियन आर्किटेक्चर को यूज करने का। जितने भी x86 आर्किटेक्चर हैं, हम पहले भी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में बात कर चुके हैं, तो जितने भी x86 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हैं सब के सब लिटिल इंडियन बाइट ऑर्डरिंग प्रीफर करते हैं। जितने भी इंटेल और AMD के 32-bit और 64-bit प्रोसेसर्स हैं वो सब के सब लिटिल इंडियन बाइट ऑर्डरिंग को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इंडियनेस, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन बाइट ऑर्डरिंग आपके समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे कि CPU किस तरह से डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है और CPU मेमोरी से डेटा किस तरह से फेच करता है। ये डिपेंड करता है कि वो लिटिल इंडियन है या बिग इंडियन है और किस तरह के बाइट ऑर्डरिंग को सपोर्ट कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए IT सिंप्लीफाइड इन हिंदी। धन्यवाद।